जम्मू कश्मीर के शोपियन में देर रात से एनकाउंटर जारी, एक मिलिटेंट ढेर, 2 से 3 मिलिटेंट के छिपे होने की खबर, 2 जवान भी जख्मी। जम्मू कश्मीर को आज पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात, सेहत बीमा स्कीम का करेंगे आगाज, हर परिवार को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा। 2 दिन के नॉर्थ ईस्ट दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे वजीर दाखिला अमित शाह, गुवाहाटी इम्फाल में मेडिकल कॉलेज का रखेंगे संग बुनियाद, IIT का भी देंगे तोहफा। 31वें दिन भी किसान तहरीक जारी, आज अमृतसर और जयपुर से हजारों किसान आएंगे दिल्ली, सिंघ बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसान तहरीक के बीच राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर परेड में जाएंगे किसान, देखते हैं किसानों को कौन रोकता है। अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का 3रा जत्था भी दिल्ली रवाना, कहा जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक जारी रहेगा एहतजाज। आज किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे हनुमान बेनीवाल, कहा किसानों की मांगे नहीं मानी तो छोड़ दूंगा एनडीए। 2022 इंतखाब से पहले पंजाब कांग्रेस में शामिल होंगे बीजेपी के कई बड़े लीडरान, राजकुमार वेका का बयान, तो आप एमएलए कुलतार संधवा ने कसा तंज, कहा नहीं हजम हो रही बात। टीआरपी घोटाले मामले में 28 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए बाघ के साबिक सीईओ पार्थो दास गुप्ता, मुंबई पुलिस ने किया था दावा, मामले में पार्थो दास गुप्ता हो सकते हैं मास्टरमाइंड, घरों से आने वाले डेटा से ऑफिस में भी होती थी छेड़छाड़। पिछले कुछ साल में PFI के बैंक खातों में आई 100 करोड़ से ज्यादा की रकम, ईडी ने केरल की अदालत को दी जानकारी, दिल्ली दंगों में भी PFI के किरदार का जिक्र। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में शीतलहर अभी भी जारी रहेगी, आज सुबह दर्ज हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जुमे को लोधी रोड सबसे ठंडी जगह रही। दिल्ली NCR में आलूदगी की सतह बेहद खराब कैटेगरी में पहुंची, आज के आदादोशुमार के मुताबिक दिल्ली में AQI 360, नोएडा में AQI 409 के साथ संगीन सतह पर, गुरुग्राम का AQI भी बेहद खराब सतह पर बना हुआ है। बिहार में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 4वें दिन भी जारी, इमरजेंसी और OPD ठप होने से मरीजों को हो रही खासी परेशानी, सरकार ने नो वर्क नो पे के तहत स्टाइपेंड में कटौती कर दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की कलंबा जेल में मोबाइल और गांजा फेंकने के मामले में कार्रवाई, जेल सुपरिटेंडेंट शरद शेलके का ट्रांसफर, नए सुपरिटेंडेंट चिंतामणि इंदुकर होंगे। सीएम योगी ने गरीबों के इलाज में इक्तिसादी मदद देने का बनाया रिकॉर्ड, 3 साल में की 58,485 गरीब और बेसहारा लोगों की मदद। रांची में घुड़सवारी सिखाने के बहाने लड़की से रेप, पुलिस ने मुलजिम नौजवान को किया गिरफ्तार। दुल्हन बनी गौहर खान की पहली तस्वीर आई सामने, जैद दरबार संघ दिए फूल। रेमो डिसूजा की अहल्या ने सलमान खान को बताया फरिश्ता, लिखा मुश्किल वक्त में साथ देने का शुक्रिया। MNS कारकुनान ने मुंबई में अमेजोन ऑफिस में की तोड़फोड़, अमेजोन ऐप में मराठी जुबान को शामिल करने की मांग। लंदन के खतरनाक कोरोना वायरस के यूपी पहुंचने का अंदेशा, मेरठ में लंदन से लौटे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, जांच रिपोर्ट का इंतजार। मुंबई के धारावी ने जीती कोरोना से जंग, अप्रैल के बाद पहली बार 24 घंटे में कोई नया केस नहीं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट की जंग, पहले बल्लेबाजी करने उतरा ऑस्ट्रेलिया, भारत ने कंगारू को दिए 3 शुरुआती छक्के। अमेरिका के नैशविले शहर में जबरदस्त धमाके में 3 लोग जख्मी, मुश्तबा कार में धमाके के बाद अलर्ट पर एजेंसियां, दहशतगर्दाना हमले के एंगल से की जा रही है जांच। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग की डूडर गोफका नदी में पुरअसरार तरीके से दिखा झाग, आसपास की सड़कों पर भी फैला इंतजामिया कर रहा है जांच। और क्रिसमस पर अमेरिका के ओहियो में बर्फीला तूफान, सड़कों पर 6 से 14 इंच तक जमी बर्फ, लोगों को हो रही परेशानी।